काश कैच था छोड़ा होता या स्ट्रेटेजी बदल दी होती तो शायद ये मैच हम जीत जाते। ऐसी कुछ बातें अक्सर सुनाई दे रही है आजकल आईपीएल में। तो आइए जानते हैं कि क्या खैरो खबर है आईपीएल मैचेस की। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सत्र का 16वां मुकाबला गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फिरोज शाह कोटला में खेला गया। तो दोस्तों हम जानेंगे पूरे मैच की हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अब बात करते हैं सीधे मैच की। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी और हैदराबाद को 130 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में हैदराबाद ने 18.3 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने ताबड़तोड़ 48 रनों की जबरदस्त पारी खेली। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को अच्छी शुरुआत मिली। सलामी बल्लेबाज जॉनी ने अपने ही अंदाज में तेजी से रन बटोरे और टीम के स्कोर को 7वें ओवर में 64 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने बेयरस्टो को पग बाधा आउट किया। जॉनी ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद अगले ही ओवर में डेविड वार्नर कागिसो रबाड़ा की गेंद पर क्रिस मॉरिस के हाथों कैच आउट हो गए। यहां से हैदराबाद की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। मनीष पांडे 95 रन के कुल स्कोर पर 10 रन बनाकर ईशांत शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद 15वें ओवर में विजय शंकर भी 16 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया। अगले ओवर में दीपक हुड्डा को संदीप ने पवेलियन की राह दिखाई। तो यहां से हैदराबाद को अब 4 ओवरों में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। मैदान पर यूसुफ पठान और मोहम्मद नबी थे। दोनों ने टीम को निराश नहीं किया और 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। नबी 17 रन पर और यूसुफ 9 रन पर नाबाद रहे। दिल्ली की तरफ से राहुल तेवतिया, रबाड़ा, संदीप, क्रिस मॉरिस और ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले टॉस हार करके बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही और तीसरे ही ओवर में 14 रन के कुल स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार ने पृथ्वी शॉ को बोल्ड करके दिल्ली को पहला झटका दिया। पृथ्वी ने 11 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों की मदद से 11 रन बनाए। इसके बाद धवन और अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 22 गेंदों पर 22 रनों की साझेदारी की। छठे ओवर में मोहम्मद नबी ने धवन को संदीप शर्मा के हाथों कैच कराकर दिल्ली को दूसरा झटका दिया। धवन ने 14 गेंदों पर 12 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। ऋषभ पंत भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और मोहम्मद शमी को छक्का लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दीपक हुड्डा द्वारा लपके गए। ऋषभ पंत ने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए। दिल्ली का ये तीसरा विकेट 10वें ओवर में 52 रन के कुल स्कोर पर गिरा। इसके अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने 61 के कुल स्कोर पर राहुल तेवतिया को मोहम्मद नबी के हाथों कैच करवाकर दिल्ली को चौथा झटका दिया। तेवतिया ने 5 रन बनाए और 14वें ओवर में 75 के कुल स्कोर पर सिद्धार्थ कौल ने कॉलिन इनग्राम को मनीष पांडे के हाथों कैच करवाकर दिल्ली को 5वां झटका दिया। इनग्राम ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। तो 17वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर 43 रन बनाकर के 93 के कुल स्कोर पर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए। 19वें ओवर में क्रिस मॉरिस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मोहम्मद नबी को कैच दे करके आउट हुए। मॉरिस ने 17 रन बनाए। दिल्ली का ये विकेट 107 रनों के कुल स्कोर पर गिरा। कागिसो रबाड़ा 20वें ओवर में 3 रन बनाकर सिद्धार्थ कौल की गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को कैच देकर आउट हुए। इसके बाद अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर दिल्ली का स्कोर 129 रन तक पहुंचा दिया। अक्षर ने 13 गेंदों पर 23 रन बनाए जिनमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद नबी, सिद्धार्थ कौल ने 2-2 और राशिद खान और संदीप शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में और साथ ही साथ इस खेल के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए, हाइलाइट्स के लिए बिल्कुल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही ये जो बेल आइकन दिख रहा है, घंटी दिख रही है, बस इसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि ये हर टाइम जब भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चले कि खबर आ गई है और आप उसे देख पाए
और जान पाए। तो इसी के साथ हो गया आगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।